दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारी के बाद सूर्य और हार्दिक ने रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए अभ्यास मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारी के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्या ने भारत को अंतिम समय पर ऐसी जीत दिलाई जिसके सामने विरोधी गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे सूर्या और पांड्या ने भारत को अपनी चमत्कारी पारी के दम पर जीत दिलाई है तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एशिया कप 2023 के पहले आज भारत और बांग्लादेश के बीच में वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में विरोधी टीम के कप्तान शोकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। दरअसल इस मुकाबले में विरोधी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए लिटन दास और मोहम्मद नईम मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित्त कर दिया और दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 80 रन की साझेदारी की, जहां पर मोहम्मद नईम ने अपने अर्धशतक पूरा किया और टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बदलाव करते हुए गेंदबाजों के लिए कुलदीप यादव को बुलाया, जहां पावर प्ले समाप्त होते ही 11 ओवर में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज मोहम्मद नईम को 50 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। वहीं इसी ओवर में लिटन दास को 30 रन के स्कोर पर क्लीन बोल कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर पाई। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हृदय और कप्तान शाकिब अल हसन ने पारी को आराम से संभाल लिया, जहां पर दोनों बल्लेबाज बड़ी ही आसानी से टीम को संभालते हुए आगे ले जाने का काम कर रहे थे। इस बीच गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज हृदय को मात्र 18 रन के स्कोर पर 18 ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुशफिकुर रहीम मैदान पर आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बड़ी आसानी से संभाल लिया और दोनों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ में दोनों बल्लेबाज अपना शतक भी पूरा कर चुके थे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी आसानी से टीम की स्थिति को समझा, जहां पर इसी बीच अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को 102 और 105 रनों के स्कोर पर पहली 3 गेंदों पर आउट कर दिया। दोनों बल्लेबाज बाउंड्री पर एक ही खिलाड़ी के हाथों कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आकिफ हुसैन आए और उन्होंने आते ही 3 गेंदों पर 3 लंबे छक्के जड़ दिए, जिसके दम पर भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 344 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और दो सिराज ने 1 विकेट हासिल किया। वहीं 356 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से टीम की स्थिति को संभालते हुए एक शानदार शुरुआत दी और दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से टीम को संभाल कर आगे ले जाने का काम कर रहे थे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक 15 ओवर तक पूरा कर लिया। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना रौद्र रूप अपनाना प्रारंभ कर दिया और इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए मेहदी हसन ने 19 ओवर में 55 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होते ही टीम काफी ज्यादा लड़खड़ा गई और लगातार अब विकेट गिरने लगे, जहां पर विराट कोहली ने ज्यादा देर रुक नहीं पाए और 4 रन बनाकर 22 ओवर में विकेट कीपर के हाथों शोकिब अल हसन की गेंद पर फिर से आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर आए। राहुल और गिल ने अब पारी को थोड़ी देर तक संभाल कर रखा, लेकिन एक बार फिर से राहुल बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 8 रन बनाने के बाद 28 ओवर में गेंदबाज हसन महमूद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या मैदान पर आए। दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपना शतक 36 ओवर में पूरा कर लिया और इस बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी ज्यादा देर टीम को नहीं संभाल पाए। 38 ओवर में गेंदबाज जोरीपुल इस्लाम की गेंद पर बाउंड्री पर खड़े लिटन दास के हाथों 104 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उपकप्तान हार्दिक पांड्या आए। ऐसे में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने पारी को बड़ी ही आसानी से संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की स्थिति को बारीकी से समझा और पहले धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन 40 ओवर पार हो जाने के बाद दोनों ने तूफानी प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। इसी बीच 41 ओवर में सूर्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया, साथ में उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के दम पर मुकाबले में रोमांच पैदा किया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच जब 2 ओवर में जीत के लिए 21 रन की जरूरत पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर अपना विकेट गेंदबाज तस्कीन अहमद की गेंद पर LBW आउट होकर 62 रन के स्कोर पर दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार सूर्या पर आ गया। वहीं अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता पड़ी तो ऐसे में गेंदबाजी की कमान इबादत हुसैन के पास में थी। वहीं सूर्या ने पहली 3 गेंदों पर 6 रन बटोरे, लेकिन अभी भी 2 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी और ऐसे में उन्होंने अगली गेंद पर फिर से 2 रन लिए और जब अंतिम गेंद पर सूर्य ने आगे बढ़कर छक्का लगाकर भारतीय टीम को अपनी 85 रन की पारी से
अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई, जिसको देखकर टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और एशिया कप में जीत की उम्मीद करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।